सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज एक फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बजाज NS 125 OBD2 वर्जन वाले बाइक के बारे में। सो डिटेल वाइज हम बात करेंगे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्या क्या इसमें प्लस पॉइंट्स हैं, क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं, तो वो सब कुछ डिटेल वाइज बात करने वाले हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बिना। और आज की जो वीडियो शूट हो रही है ये हो रही है फिर से एक बार स्वदेशी बजाज राजा गार्डन में। सो यहाँ से अगर आपको कोई डील वगैरह चाहिए तो डिटेल्स उनके जो रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बिना। सो गाइस, ये है आप सभी के सामने बजाज पल्सर NS 125 CC जो कि है न्यू OBD2 वाला जो वर्जन आता है, BS6 का सेकंड वर्जन, वो आपको देखने को मिल रहा है अभी आपके सामने। ऑरेंज कलर में खड़ी है बाइक और आप देख सकते हैं कैसे मैं ये OBD2 कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको स्टिकर दिख जाता है E20 वाला स्टिकर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख जाता है। और सबसे बड़ी और ख़ास बात कि अब इसमें आपको कार्बोरेटर इंजन नहीं देखने को मिलेगा, FI देखने को मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। सो ये बहुत बड़ा अपडेट है, नया अपडेट है। सो ये आपको देखने को मिलने वाला है इस गाड़ी में। और एक ख़ास बात कि पहले आपको जो इसमें इंजन देखने को मिलता था DTSI वाला इंजन, अब आपको इसमें नॉर्मल बजाज इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पावर वगैरह कम हो गई है। सो पावर वगैरह आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है और इंजन परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले इसके फ्रंट की। तो सबसे पहले फ्रंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको NS का जो सिग्नेचर स्टाइल हेडलैम्प है वो आपको देखने को मिल जाता है नेकेड लुक में, यानी कि नेकेड स्पोर्ट्स आपको जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें आपको जो फ्रंट का विंडशील्ड जो मिलती है वो काफ़ी स्मॉल, और क्योंकि नेकेड जितनी भी बाइक्स आप देखोगे तो उसमें काफ़ी स्मॉल रहता है फ्रंट का हेडलैम्प वगैरह, जो हेड रहता है इसका छोटा रहता है, तो उस हिसाब से ही बनाया गया है इसको। तो मैं ऑन करता हूँ इसका लाइट, सो आप देख सकते हैं इसमें आपको ऑरेंज प्लस डिजिटल मीटर, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। तो ऑन कर देता हूँ गाड़ी जिससे कि आप हेडलाइट देख पाओगे इसकी, ठीक है। सो ये है आप सभी के सामने इसकी हेलोजन हेडलैम्प, जहाँ पे आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, नीचे पायलट लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसमें पायलट लैंप्स के साथ साथ आपको इसमें यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, एक अच्छे फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हेलोजन में दिए हुए हैं। फ्रंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको नंबर का फ्रेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो मडगार्ड देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कार्बन फिनिश के साथ, हाफ कार्बन फिनिश है और बाकी इसमें मैट ब्लैक काम किया गया है। साइड्स की अगर बात करूँ इसमें आपको टेलीस्कोपिक शॉकर्स देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के, प्लस आपको एक साइड की सेफ्टी की बात करें तो रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की अगर टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो फ्रंट में जो आपको टायर साइज़ देखने को मिलने वाला है वो 80x100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के डिस्क ब्रेक की तो इसमें आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। इसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलता, बाकी इसमें आपको कैलिपर देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं की गई है, ठीक है। साइड रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका जो अलॉय दिया गया है वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में दिया गया है ग्रे कलर में, प्लस जैसे कलर ऑरेंज है तो वैसे ही नीचे जो इसका अलॉय है उसमें भी ऑरेंज कलर की स्ट्रिपिंग का काम किया गया है जिससे कि एक स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज प्लस वाइट का कॉम्बिनेशन के साथ इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है। सो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और अच्छी लुक्स में आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारी बाइक्स में मैंने देखा है काफ़ी हल्का रहता है ये, तो ये अच्छी क्वालिटी का है, हल्का नहीं है। जैसे होता ना कि काफ़ी मुड़ जाता है ऐसे, तो ऐसा नहीं है, अच्छी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है। साथ के साथ इसमें आपको एक लेग गार्ड देखने को मिल जाते हैं जो कि स्प्लिट टाइप का है, लेग गार्ड दिया हुआ है, ठीक है, और कंपनी से फिटेड मिल जाता है। सबसे खास बात इस गाड़ी में अब क्या पहले भी मिलता ही था, इसमें आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो किक स्टार्ट प्लस सेल्फ स्टार्ट दोनों ही आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एक पैरी फ्रेम इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ये फ्रेम इसमें न्यू डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कवर्ड लगता है पूरा। अगर आप बात करें इंजन की तो काफ़ी बल्की सा लुक जो होता है वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग जो इसके पैड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। सो साथ के साथ जो इसका रियर वाला फुटस्टेप है ये भी एक अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाता है मेटल में। और साइड की बात करें तो साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 125 जो लिखा हुआ है वाइट कलर में, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ग्राफिक्स का जो काम किया है
वाइट ग्राफिक्स का इसमें काम किया गया है, जिससे लुक इसकी इनहेंस हो रही है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्सर लिखा हुआ 3D में काफ़ी बेहतरीन लुक आपको प्रदान कर देता है। सो काफ़ी अच्छा लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इस टैंक की, तो इसमें आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है इनबिल्ट, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो फाइबर क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा इसका फ्रेम। बट अगर हम बात करें इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, वो आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। E20 वाला एथलॉन वाला जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है इसमें भी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिजिटल मीटर की, ठीक है। तो डिजिटल मीटर की अगर हम बात करें तो अपडेट्स की, तो इसमें आपको रियल टाइम एवरेज देखने को मिल जाती है, प्लस डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं इस गाड़ी में, जैसे कि RPM वगैरह, फ्यूल का, न्यूटन का, बैटरी का, इंजन का, सारी जो लाइट्स होते हैं, वो सारा कुछ इसमें आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा RPM लिमिट वगैरह वो भी देखने को मिल जाता है। सो फीचर्स आपको सारे देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर आप इससे अपर वाला मॉडल NS160 में जाएंगे, वहाँ पे आपको गियर इंडिकेशन वगैरह भी दिखा देता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलती। बाकी ऑल ओवर इसमें सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो की है, वो आपको नॉर्मल की देखने को मिलती है, वेव की भी देखने को नहीं मिलती है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। बात करें अगर इस गाड़ी के बार हैंडल की, तो ये भी आपको काक्लिपॉन बार हैंडल देखने को मिल जाता है। सो वो अच्छी क्वालिटी का आपको बार हैंडल देखने को मिल जाता है। स्ट्रेट हैंडल है, मतलब कि ना ही काफ़ी ऊपर को है ना काफ़ी पीछे को है, एक स्ट्रेट हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका ये देखेंगे तो किल स्विच दिया हुआ है, और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है सेल्फ स्टार्ट। प्लस इसके यहाँ पे आप देखोगे तो ये लो बीम हाई बीम का होगा, ये पासिंग का हो गया, ये इसका हॉर्न दिया हुआ है। तो हॉर्न सुना देता हूँ आपको मैं, तो इसके हॉर्न की क्वालिटी है, बाकी ये इंडिकेटर्स, ठीक है। और जो इसके लीवर्स वगैरह दिए हुए हैं, ये भी आपको एक अच्छी क्वालिटी के लीवर्स देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर में। तो क्रोम वगैरह पर ऐसा कोई यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, तो ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पीछे अगर हम चले थोड़ा सा, तो पीछे यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी टेल लैम्प दी हुई है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो जो इसकी जो टेल लैम्प दी हुई है, ये टेल लैम्प आपको स्प्लिट LED टेल लैम्प देखने को मिल जाती है, जो कि इसका सिग्नेचर स्टाइल है, तो एक स्प्लिट में देखने को मिल जाता है। प्लस इसके जो आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे, ये भी स्प्लिट में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो दो स्प्लिट चीज़ें और अच्छी क्वालिटी, अच्छी लुक्स में देखने को मिल जाती हैं। बात करें अगर इसके सीट की क्वालिटी, तो आप सीट की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कुशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो इसका डिज़ाइन है, लगभग 160 जैसे NS 200 है, वैसा ही इसका सीट का डिज़ाइन दिया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और अगर बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस से लेके हाइट की, मतलब ग्राउंड से लेके हाइट की अगर बात करें, तो लगभग 805 mm का इसमें आपको सीट हाइट देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अगर हम बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको इसमें देखने को मिल जाती है 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस गाड़ी के कर्व वेट की, तो लगभग 144 kg का इसका कर्व वेट देखने को मिल जाता है। सो एक अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और बात करते हैं अब इस गाड़ी के इंजन की। सो इस गाड़ी में जो आपको इंजन देखने को मिलेगा भाई, वो मिलने वाला है 4-stroke SOSC4 वॉल एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट DTSI इंजन, ठीक है। 124.45 cc का आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। मैक्स पावर की अगर बात करें, तो 8.82 किलोवाट एट द रेट ऑफ 8500 RPM पे, और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है, वो 11 Nm का टॉर्क एट द रेट ऑफ 7000 RPM पे। 5-speed कॉन्स्टेंट्स मैश इसमें आपको गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का देखने को मिलेगा। सो जो इसमें गियर है, वो काफ़ी अच्छी स्मूथनेस के साथ आपको शिफ्टिंग देखने को मिल जाती है। सो अगर बात करें रियर के टायर साइज़ की, तो इसमें आपको जो रियर का टायर साइज़ देखने को मिलेगा, 100x90 का 17-inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। टायर की आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती है। और रियर में एक आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का दिया हुआ है। प्लस एक मडगार्ड देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके रियर शॉकर्स की, सस्पेंशन की, तो इसमें आपको 5-step एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स मोनोशॉक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का देखने को मिलेगा। प्लस अगर बात करें, तो इसका जो ये ऊपर का पार्ट है सीट के नीचे का, ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, यानी कि अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्मूथ है, तो कीचड़ वगैरह कुछ जाता है तो इजीली आप साफ कर पाओगे इसको, ठीक है। उसके साथ साथ रियर में भी आपको देखिए, इसके जो इंडिकेटर्स हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है, यहाँ नंबर प्लेट के लिए देखने को मिलेगा। साइड्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना टायर प्रेशर वगैरह होना चाहिए, वो सब कुछ दिया हुआ है,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइड्स की, तो आपको इसमें एक इंजन कट ऑफ साइड स्टैंड का जो फीचर होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है जो होना चाहिए हर गाड़ी में। सो ये आपको आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में देखने को मिल जाता है, सो ये आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। जो इसका 5-speed कॉन्सेंट मैश है, अगर बात करें फर्स्ट डाउन, बाकी 4 अप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, स्टिकर इसमें लगा रहता है। साथ में आप यहाँ पे देखोगे एक जाली टाइप की जो लुक दी हुई है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अग्रेसिव लगता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सो गाइज़, अब मैं इस गाड़ी का आपको इंजन का साउंड सुनाने वाला हूँ। सो आपको इंजन का साउंड कैसा लगेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंजन को। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं इसमें जो आपको एग्जॉस्ट का साउंड है काफ़ी थम्पी देखने को मिल जाता है, अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। सो लुक काफ़ी बढ़िया इनहेंस कर देता है। सो एक अच्छी क्वालिटी बाइक आपको देखने को मिल जाती है, एक अच्छे लुक्स के साथ देखने को मिल जाती है। बात करें इस गाड़ी की अगर प्राइस की, तो लगभग अप्रॉक्स जो इसका ऑन रोड प्राइस रहेगा 1,30,000 रुपये के आसपास का इसका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। सो अगर आपका बजट कम है और आप एक स्पोर्टी बाइक देख रहे हैं, तो उस और 125 सीसी के अंदर एवरेज भी चाहिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है जिसमें आपको एक अच्छी पावर देखने को मिल जाती है। 125 सीसी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर थोड़ी सी और पावरफुल चाहिए तो आप 160 पे भी जा सकते हो। बाकी कम मिड प्राइस पे, मतलब एक अच्छे प्राइस के अंदर, 125 सीसी के अंदर, गुड लुक्स के अंदर, एक अच्छी क्वालिटी की बाइक अगर आपको चाहिए, तो देन यू कैन गो फॉर दिस बाइक, ठीक है। सो आई होप जो ये छोटी सी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, ऑलमोस्ट मैंने इसमें आपको सब कुछ बता दिया है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ मिसिंग रहेगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि इसमें कुछ भी अगर आपको लगता है जो क्वेरी है, आपकी क्वेरी रिसॉल्व कर दूंगा। सो आई होप जो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ये आपको पसंद आई होगी। अगर भाई पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइज़।